विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी का विवाद लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले जिस तरीके से विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद बीसीसीआई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका जाने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विवाद को बढ़ा दिया है। ऐसे में अब लग रहा है कि सौरभ गांगुली और विराट कोहली के बीच तलवारें खिंच गई हैं। वैसे आपको बता दें कि सौरभ गांगुली ने जब विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी थी, तभी मन बना लिया था कि वाइट बॉल में दो अलग कप्तान नहीं रहेंगे और वाइट बॉल का एक कप्तान होगा, साथ ही रेड बॉल में कोई दूसरा कप्तान होगा। ऐसे में रोहित शर्मा को वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया है, विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब विवादों के बीच भारत के चैंपियन कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली को खरी खोटी सुनाई है और नाराजगी जताते हुए उन्हें नसीहत दे डाली है और कहा है कि आप कोई भी नहीं होते हैं कि जिनसे चयनकर्ता हर बात आकर शेयर करें। उन्होंने जो फैसला लिया है उसे मान लेना चाहिए और साउथ अफ्रीका सीरीज पर ध्यान देना चाहिए। कपिल देव ने अपने बयान में कहा, सिलेक्टर्स ने भले ही विराट कोहली जितना क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उनको कप्तानी पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उन्हें किसी को भी किसी भी बारे में बताने की जरूरत नहीं है और ना ही वे इसके लिए बाध्य हैं, विराट को भी नहीं। खिलाड़ियों को चयनकर्ताओं से इस तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस विवाद से कोहली की टेस्ट कप्तानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह एक शानदार खिलाड़ी हैं और जबरदस्त क्रिकेटर भी। उम्मीद है कि सिलेक्टर इसी तरह से सोचते हैं। मेरा मानना है कि विराट को अब कप्तानी का विवाद छोड़कर दक्षिण अफ्रीका दौरे पर ध्यान देना चाहिए। तो कपिल देव का यह बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विराट कोहली को इन सब अब पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए और उन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज पर ध्यान देना चाहिए। वो एक बड़े प्लेयर हैं और टेस्ट की कप्तानी उनकी कहीं नहीं जाने वाली है, वो कप्तानी करते रहेंगे। हालांकि वनडे और T20 में रोहित शर्मा जिस तरीके से कप्तान बनाए गए हैं, अब विराट को इस बात को मान लेना चाहिए, सभी विवाद को खत्म कर भारतीय क्रिकेट के लिए सुनहरे अध्याय लिख